बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खतीजा के मुलजमान के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। शेख दानिश और महम के बाद अब अना अली के लिए भी अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आ चुका है। 4 दिन की हिफाजती जमानत, उसके बाद अंधेरी रात। अदालत की अना अली की सरजनिश, अना के झूठ बोलने पर अदालत भी बरहम हो चुकी है। जल्द ही पुलिस जो है उस मोबाइल को भी कब्जे में लेने वाली है जिससे वीडियोस बनाई गई थी, और कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि खतीजा को अब इंसाफ मिलने के करीब है। वो लोग जो मुसलसल झूठ बोल रहे थे, यानी कि अना अली मुसलसल झूठ बोल रही थी कि वो फैसलाबाद में नहीं थी जब ये वाकया पेश आया, जबकि खतीजा ने कहा है कि अना वहीं पर थी, उसके जूते भी वहीं पे थे, उन जूतों को चटवाया भी गया और मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा था अना उसमें बराबर की शरीक थी। अना ने ना सिर्फ अदालत को गुमराह करने की कोशिश की बल्कि वो मुसलसल सहाफ़ियों से भी झूठ बोल रही थी। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेख दानिश महम के बाद अब अना जो है वो भी शिकंजे में आने वाली है। जो कहती है कि मैं 14 साल की हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं मासूम हूँ, वो बच्ची जो है वो कितना कुछ कर चुकी है, वो भी अब जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी फैसलाबाद में जो ये सारा वाक़या हुआ था, अब जो मुलज़िम की बेटी है यानी कि अना अली, उसकी 4 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसे रुजू किया था और इसने ये बात बताई थी कि जी मैं अपनी माँ के साथ जो है वो वहाँ पे रहती हूँ इस्लामाबाद में अपनी नानी के घर, क्योंकि इसकी वालदा के साथ इनकी वालदा और वालिद की अलहदगी हो चुकी है और इसका जो मामू है वो इसका केस लड़ रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरकज़ी मुलज़िम शेख दानिश की बेटी अना को 25,000 रुपये के मचल के दाखिल कराने का हुक्म देते हुए उसकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। और मैं आपको बताती चलूं कि हाई कोर्ट ने जो है बड़े रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी अदालत को गुमराह ना करें, हिफाजती ज़मानत का कोई कानून नहीं, ये सवाबदीदी रिलीफ है। ख्याल रहे कि जो मेडिकल की तालिबा है खतीजा पे तशद्दुद करने वाली अना अली ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और आपको पता है कि जी ये भी कहा गया कि यहाँ से ज़मानत लेना बेहद आसान है, इसकी वजह से हर बंदा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना शुरू हो चुका है। शेख दानिश अली की बेटी मुलज़िमा अना अली ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और अना अली ने कहा था कि जी वो कम उम्र हैं, वो तावुन करना चाहती हैं पुलिस के साथ, वो फैसलाबाद जाना चाहती हैं, लेकिन हर हाल में पुलिस को गिरफ्तार करने से मुझे रोका जाए, और उससे मौकिफ इख्तियार किया था। आपको पता है कि किस तरह से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं था कि इतनी छोटी उम्र, जो अपने आप को कहती है कि मैं बड़ी छोटी उम्र की हूँ, ये बच्ची जो है इतना ज़्यादा झूठ बोलेगी, बड़ी ढिटाई के साथ झूठ बोलेगी, क्योंकि इसने पिछली बार जब अदालत के बाहर ये सहाफ़ियों से इसने गुफ्तगू जवाब दिया था, बार बार इसका मामू जो कि इसका वकील भी है कह रहा था कि चुप हो जो, खामोश हो जो, लेकिन ये कहानी सुना रही थी, इसने ये तक कहानी सुना दी थी कि जी मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, जब मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी तो मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। इसने ये भी बोला था कि सीसीटीवी जो है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैं वहाँ पर नहीं थी, जबकि खतीजा का मौक़िफ़ तो कुछ और है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थी, मगर उसको जो है मुकदमे में नामजद कर दिया गया है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है बैरूनी ताकतों की वजह से, पुलिस मुझे हर हाल में गिरफ्तार करे, तो उसे बड़ी कहानियाँ सुनाई थी। तो देखें, ये तो आपको पता है कि तस्लीम शुदा एक असूल है कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता, जो बंदा है वो मुलज़िम ही होता है, उसको हम मुजरिम तो नहीं कह सकते। तो अब उसको जो है हिफाजती ज़मानत दे दी गई है, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अना का जो मौक़िफ़ है वो उसी मौक़िफ़ पर कायम रही। उसने ये कहानी सुनाई कि जी मेरी वालदा और वालिद की अलहदगी हो चुकी है, तो मेरा तो फैसलाबाद में रहने का कोई तुक ही नहीं है, मैं तो अपनी वालदा के साथ, नानी के साथ इस्लामाबाद में रहती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत के मुताबिक, अदालत का ये मौक़िफ़ था, अदालत ने कहा कि जी आपका जो परमानेंट और टेम्प्रेरी एड्रेस है वो तो फैसलाबाद का ही है, इस्लामाबाद का तो नहीं है। तो उस पर जी इसने काफ़ी कहानियाँ सुनाई। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में अना अली जो है वो पेश हुई है, और इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है नूर मुकदम का केस को लेकर चले थे। और मैं आपको बताऊं कि अदालत के रिमार्क से कि जी एफआईआर जब कट चुकी थी उसके बाद ये इस्लामाबाद आई थी, और इसने मतलब यही कहानी सुनाने की कोशिश की कि ये तो इस्लामाबाद थी, मतलब कि ये भी मुसलसल झूठ बोल रही है, केस को गुमराह कर रहे हैं। इस केस को हर हाल में मुकम्मल तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस केस को देखते हैं, इनके झूठों का पलंदा निकलता है, खोला जाता है, तो महम का करेक्टर भी बड़ा मिस्टीरियस है।
और अब अन्ना का झूठ भी सामने आया है, अन्ना भी झूठी है। यानी कि इतनी छोटी उम्र में एक लड़की पक्का मुंह बना के पक्की पीसियों की तरह जो है झूठ बोल रही है, अदालत को गुमराह कर रही है। वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद आती है जमानत लेने के लिए, झूठ बोलती है, यहाँ पे कहानियाँ सुनाती है। और कितनी अजीब सी बात है, देखिए जी हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि जो स्नीकर उसके एक फेवरेट गुच्ची के हैं वो हर तस्वीर में पहन के घूम रही है। तो जिस बंदे को अपने जूते कपड़े कोई भी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा जिसको पसंद होती है तो वो अपने साथ ही रखता है ना। वो ऐसे थोड़ी होगा कि रहे तुम इस्लामाबाद में रहे हो, तुम अपने फेवरेट जूते जो हर तस्वीर में तुम पहनती हो वो तुमने जो है वो फैसलाबाद में चटवाने के लिए छोड़े हुए हैं कि जी फैसलाबाद में उस बच्ची को जो है वो जूते चटवाए जाएं। तो इसका मतलब यही है ना कि खदीजा सच बोल रही है। और ये जो बड़ी मिस्टीरियस एक बात मुझे लगी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने किस ढिटाई से ये बात बोली थी कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो CCTV फुटेजेस से आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो हूँ वो वहाँ पर नहीं थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने CCTV फुटेज में भी कोई हेर फेर की है। अगर उन्होंने हेर फेर ना की होती तो इतनी ढिटाई के साथ ये बात ना बोलती कि मैं वहाँ पर जो है मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि टेंपर कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें और ये केस को गुमराह और ख़राब करने की कोशिश करें क्योंकि काफ़ी पैसा है इनके पास। महाम का जो करैक्टर है वो भी बड़ा मिस्टीरियस है। महाम को जितनी बार हमने अदालत में आते देखा, सहाफ़ियों के साथ उसने बदतमीज़ी की है, उसने गालम गलोच करने की कोशिश की है, उसने गंदी ज़ुबान इख्तियार की है। और जब उसको देखा गया तो वो कहती है कि जी मैं तो शेख दानिश की बीवी हूँ, जबकि फैमिली और शेख दानिश कहता है वो मेरी बीवी नहीं है। उसके पास से बेपना शराब की बोतलें निकली हैं, तो वो मनीषियात का इस्तेमाल भी करती थी, मनीषियात का कारोबार भी करती थी, मनीषियात सप्लाई भी करती थी। तो ये जो ताने बाने मिल रहे हैं ये बहुत ही अजीब किस्म के हैं। समझ से बालातर है कि ये फैमिली जो है वो क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दानिश पर भी बेपनाह इल्ज़ाम आते हैं कि दानिश लड़कियों को वरगलाता था, लड़कियां रखने का उसको शौक़ था और लड़कियों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी वीडियोस बनाता था। और ये लड़कियां जो हैं बच्चियां कम उम्र की बच्चियां होती थी जिनको बड़े आराम से वरगलाया जा सकता है और उसके बाद जो है उनकी तस्वीर वीडियोज़ अपने पास रख के उनको अपने मुताबिक चलाया जाता था, ये वो काम किया करता था। अच्छा जी मैं आपको बताती चलूं कि जी इस लड़की ने गेम डालकर जो है सारी काम तो कर लिए हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें कि मौक़िफ जो है खतीजा का सामने आता है, आपको मैं ये भी बात बताती चलूं कि इस लड़की ने बैरून मुल्क भागने की भी कोशिश की। अना की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये कोशिश कर भी सकती थी, इसको लग रहा था कि मैं भाग भी जाऊँगी, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसका नाम ECL में शामिल करने की जो है दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, यानी कि ये भी लड़की जो है भाग नहीं सकती, क्योंकि इसका बारे में कहानी सुना रहे थे कि जी ओ लेवल्स इसने कर लिया है, ए लेवल्स के लिए ये बैरून मुल्क जाने वाली थी, तो ये पैसा तो इनके पास बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि अब बच्ची का जो मुतासरा बच्ची है उसका इंटरव्यू भी सामने आया है और उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसने बताया है कि जी ये सारे जब मामला हो रहे थे शेख दानिश भी वहीं पर था, महम वहाँ पे थी और जो है अना भी वहाँ पे थी, यानी कि इन तीनों लोगों ने, देखें हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, आवाम बेवकूफ़ थोड़ी है, वो माफ़ी मांग रही है, उसमें अना का नाम ले रही है, तो अना वहाँ पे नहीं होगी तो माफ़ी किससे मांगेगी, अजीब सी बात कर रहे हैं। और वो जो फजूल सी औरत है जो बदतमीज़ी करती है सहाफ़ियों के साथ, लोगों के साथ, महम नामी खातून, वो जो है उसकी जो आवाज़ है उस वीडियो में आने वाली आवाज़ से बिल्कुल मिलती हुई है। तो ये बात तो मतलब झूठ की बिना पे बातें नहीं हो सकती ना। हाँ पैसा चल जाए, पैसे से चीज़ें खरीद लें, वो एक अलग बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस केस में। फैसलाबाद में जी समाअत होगी कल, मुलजमान का रिमांड जो है जितना रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया जाएगा। ये वो मुलजमान है जिनको जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया है, कल देखा जाएगा कि इनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर भेजना चाहिए या नहीं। और कल बच्ची खतीजा का 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस जी मोबाइल जो है वो ढूंढ रही है, उनको वक्त चाहिए वो मोबाइल ढूंढने के लिए जिसमें जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी और मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसके साथ ना इंसाफी हुई है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उसको इंसाफ मिले और हर हाल में इंसाफ मिले।